नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आपको भी लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट करके बताना क्या केएल राहुल आपके भी फेवरेट खिलाड़ी हैं। जी हाँ, आपको बता दें, आज के मुकाबले में देखने को मिला बेशक से लखनऊ की टीम जीत गई, लेकिन दोस्तों एक लम्हा ऐसा भी था जब केएल राहुल बीच मैदान में ही बैठ चुके थे और ऐसा लग रहा था कि केएल राहुल रो देंगे और केएल राहुल को लग रहा था कि कहीं एक बार फिर से उनकी टीम पिछले साल की तरह ही हार ना जाए मुकाबलों को। ऐसे में केएल राहुल ने जो बातें कही हैं उसके बारे में मैं आप सभी को वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, आज का जो मुकाबला रहा वो बेहद ही ज्यादा रोमांचक रहा और मुकाबले में आज बेशक से लखनऊ की टीम जीत गई, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लग रहा था केएल राहुल को कि कहीं आज उनकी टीम एक बार फिर से हार ना जाए और इसी वजह से केएल राहुल काफी नर्वस नजर आए। ऐसा लग रहा था कि केएल राहुल बीच मैदान में ही बैठकर रो देंगे। जी हां, आपको बता दें, आज के मुकाबले में देखने को मिला कि लखनऊ की टीम बहुत ही उतार चढ़ाव से गुजरी, जहां पहले देखने को मिला कि चेन्नई की टीम ने बेहद ही शानदार आज टारगेट खड़ा कर दिया लखनऊ के सामने और इसमें एक दो खिलाड़ियों की नहीं बल्कि लगभग सभी खिलाड़ियों की बहुत ही बेहतरीन भूमिका थी चेन्नई की तरफ से। और देखने को मिला कि चेन्नई ने 211 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट सिर्फ और सिर्फ 20 ओवर में ही खड़ा कर दिया, जिसमें रॉबिन उथप्पा की एक बेहद ही दमदार अर्धशतकीय पारी थी, साथ ही मोइन अली की 35 रनों की और इसके अलावा शिवम दुबे की भी तूफानी 30 गेंदों पर 49 रनों की पारी थी। वहीं रायडू ने भी 20 गेंदों पर ही 72 रन जड़ दिया था, जबकि रविंद्र जडेजा ने 9 गेंदों पर 17 रन और अंत में धोनी ने भी 6 गेंदों पर 16 रन जड़कर बची खुची कसर पूरी कर दी। अब इसके बाद जब इतना बड़ा टारगेट था तो शुरुआत तो तेज करनी ही थी और केएल राहुल कहां रुकने वाले थे। केएल राहुल ने भी शुरुआत में ही 40 रनों की बेहद ही दमदार पारी जड़ दी। अपनी पारी में केएल राहुल ने लंबे लंबे 3 छक्के भी जड़े, जिसकी वजह से जो केएल राहुल की टीम है वो धीरे धीरे करके आगे निकलती गई और क्विंटन डिकॉक ने भी खूब साथ दिया और क्विंटन डिकॉक ने 45 गेंदों पर ही 61 रन जड़ दिया और क्विंटन डिकॉक ने अपनी पारी में 9 चौके जड़े हैं। इसके अलावा मनीष पांडे पर सबको विश्वास था, लेकिन मनीष पांडे सिर्फ और सिर्फ 5 रन बनाकर ही आउट हो गए। इवन लुइस ने 23 गेंदों पर 55 रनों की पारी खेली, जो कि बेहद ही शानदार थी और यही वो पारी थी जो कि आज लखनऊ को इस मैच को जिताने के लिए कारगर साबित हुई है। बता दें कि इवन लुइस ने ना सिर्फ 23 गेंदों पर 55 रनों की पारी खेली बल्कि एक रिकॉर्ड भी बना दिया उन्होंने बेहद ही दमदार पारी खेलने का, और साल 2022 में अब तक का ये सबसे फास्टेस्ट अर्धशतक है 23 गेंदों पर 50 रन का। और लुइस ने अपनी पारी में 6 चौकों के साथ साथ 3 छक्के भी जड़े। अंत में दीपक हुड्डा ने एक छोटी सी 8 गेंदों पर 13 रनों की पारी खेली, अपनी पारी में एक चौका और एक छक्का लगाया और फिर आयुष बदोनी ने 9 गेंदों पर ही 19 रन जड़ दिया। तो इस तरह से आज लखनऊ की टीम जीत चुकी है इस मुकाबले को, लेकिन आपको बता दें कि मुकाबले के बाद केएल राहुल जो है वो बहुत ज्यादा नर्वस नजर आए। लग रहा था कि केएल राहुल रो देंगे क्योंकि केएल राहुल समझ रहे थे कि इस जीत की क्या वैल्यू है। ये सिर्फ मैच नहीं था बल्कि 2 पॉइंट थे जो कि अब लखनऊ की जीत के साथ आगाज हो चुका है और ये 2 पॉइंट मिलने से केएल राहुल की टीम बहुत ज्यादा उत्साहित है और कहीं ना कहीं अब केएल राहुल के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि वो भी मुकाबले जीत सकते हैं अगर सही से उनकी टीम परफॉर्मेंस करती है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।